बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ टाइम टू स्टडी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन लीव्स ऑब्जर्वेबल साइंस। एवोल्यूशन अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ती है जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, एविडेंसेस छोड़ती है। Darwin's theory of natural selection was mainly based on the evidence from geographical distribution of species and from the fossil record. Darwin's ki theory of evolution वो ज्यादातर दो evidences पे base करती थी, एक geographical distribution of species और दूसरा fossil record. However, there have been many evidences as biology progress. ताहम यूं जो biology ने progress की, नए evidences भी सामने आए. New discoveries continue to validate the evolutionary view of life. Biology में नई discoveries से life में evolution का view को ज्यादा तकवीयत मिली, वो वैलिडेट हुआ, उसकी सच्चाई को तकवीयत मिली। नई डिस्कवरी ने एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ लाइफ को सपोर्ट किया। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एविडेंसेस। हम कुछ एविडेंसेस जो हमारी बुक पे दिए हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी क्या होती है? Biogeography is actually the study of geographical distribution of species in different regions of the world. Duniya ke mukhtalif hisson mein plant or animal species ki distribution ko study karna biogeography kehlata hai. It is biogeography that first suggested the idea of evolution to Darwin. डार्विन को एवोल्यूशन का ख्याल सबसे पहले बायोजियोग्राफी की वजह से हुआ। ये बायोजियोग्राफी थी जिसने डार्विन के जहन में एवोल्यूशन का आइडिया डाला। आपको पता है कि डार्विन विजिटेड गैलापागोस आइलैंड्स, वेयर ही ऑब्जर्व्ड many species of plants and animals that are endemic. Galapagos ke island pe Darwin ne ye dekha ki plant aur animal species khususi taur par island tak mehdood hain. Endemic ka matlab hota hai abhai, native. Wo sirf unhi island mein paayi jati hain ya kisi ek island tak mehdood hain. बट क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशीज द नियरेस्ट मेनलैंड, और जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज किसी खास आइलैंड तक महदूद है, किसी खास आइलैंड की रिहायशी हैं, लेकिन दे आर आल्सो रिलेटेड टू द स्पीशीज ऑफ मेनलैंड। जो करीब वाली मेनलैंड है, खुश्की का बड़ा हिस्सा है, उसकी स्पीशीज से भी मिलती जुलती हैं या नेबरिंग आइलैंड की स्पीशीज से भी मिलती हैं। तो डार्विन हैव ऑब्जर्व दैट आइलैंड्स हैव मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एंडेमिक बट क्लोजली रिलेटेड टू द स्पीशीज द नियरेस्ट मेनलैंड आर नेबरिंग लैंड। कंसिडर आर्मेडिलोस, द आर्मर्ड मैमल्स। आर्मेडिलोस ये प्रोटेक्टिव स्किन वाले मैमल्स होते हैं, मोटी खाल वाले एनिमल्स होते हैं, दैट लिव ओनली इन अमेरिका, जो सिर्फ अमेरिका में मिलते हैं। द एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ बायोजियोग्राफी प्रेडिक्ट्स दैट कंटेम्पोररी आर्मेडिलोस आर मोडिफाइड डिसेंडेंट ऑफ अर्लियर स्पीशीज दैट ऑक्यूपाइड दिस कॉन्टिनेंट। बायोजियोग्राफी का जो एवोल्यूशनरी व्यू है वो इस चीज की निशानदेही करता है कि दौरे हाजिर के आर्मेडिलोस जो हैं
वो जमाना कदीम के आर्मेडिलोज की मॉडिफाइड जनरेशन्स हैं जो इस इलाकों में इन इलाकों में रहती थी। कंटेम्पोरेरी आर्मेडिलोज का मतलब है दौरे हाजर के आर्मेडिलोज, जदीद आर्मेडिलोज, आजकल के आर्मेडिलोज। तो बायोजियोग्राफी की एवोल्यूशनरी व्यू के मुताबिक दौरे हाजर के आर्मेडिलोज जो आजकल आर्मेडिलोज मौजूद हैं वो उन इंसेस्टर स्पीशी की औलादें हैं, उन इंसेस्टर स्पीशी की मॉडिफाइड डिसेंडेंट हैं जो इन इलाकों में पुराने वक्तों में रहते थे। अगर ये बात सही है तो फॉसिल्स रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। एंड इनफैक्ट द फॉसिल रिकॉर्ड कंफर्म दैट सच स्पीशीज, सच इंसेस्टर्स एग्जिस्टेड। और फॉसिल का रिकॉर्ड भी ये बताता है कि साउथ अमेरिका में इस किस्म के एनिमल जमाना कदीम में भी रहते थे। तो बायोजियोग्राफी की जो थीरी है, जो बायोजियोग्राफी का व्यू है, उसके मुताबिक एनिमल स्पीशीज या प्लांट स्पीशीज किसी एक इलाके तक महदूद हो जाती हैं। वहां का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, वहां की कंडीशन मुख्तलिफ होती है, वहां का जो प्रेशर होता है नेचुरल सिलेक्शन का वो मुख्तलिफ होता है। इसलिए वो तमाम स्पीशी जो हैं वो एक जैसे प्रेशर को, एक जैसी कंडीशन को बर्दाश्त करती हैं, उनको अडेप्ट करती हैं और अल्टीमेटली उनमें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती रहती है। एक जैसी चेंज आती है और वो दूसरे इलाकों से डिफरेंट हो जाती है। यही डार्विन ने अपनी थ्योरी में कहा। इसके बाद फॉसिल रिकॉर्ड, द सक्सेशन ऑफ फॉसिल फॉर्म इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। फॉसिल का एक खास तरतीब के साथ मिलना भी एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन। इट प्रोवाइड्स विजुअल रिकॉर्ड इन अ कंप्लीट सीरीज शोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉसिल जो है एक ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन को शो करने के लिए एक विजुअल रिकॉर्ड है जो एक मुकम्मल सीरीज की फॉर्म में मौजूद है। एक ऐसा रिकॉर्ड है एवोल्यूशन का जिसको देखा जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी सजेस्ट प्रोकैरियोट एज द इंसेस्टर्स ऑफ ऑल लाइफ। बायोकेमिस्ट्री से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, सेल बायोलॉजी से ये एविडेंसेस मिलते हैं, सजेस्ट होते हैं कि हर किस्म की लाइफ के इंसेस्टर जो हैं प्रोकैरियोट्स हैं। हर किस्म की लाइफ प्रोकैरियोट्स से बने हैं। इट प्रिडिक्ट्स दैट बैक्टीरिया शुड कम फर्स्ट ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक फॉर्म इन द फॉसिल रिकॉर्ड। तो इससे ये भी निशानदेही होती है कि तमाम यूकैरियोटिक लाइफ के फॉसिल में बैक्टीरिया सबसे पहले आने चाहिए, यानी बैक्टीरिया का फॉसिल सबसे पुराना होना चाहिए। इनडीड द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल आर प्रोकैरियोट। और हकीकत भी ये है कि फॉसिल्स में सबसे पुराना फॉसिल जो है वो प्रोकैरियोट्स का ही मिलता है। इससे ये इस आइडिया को तकवीयत मिलती है कि हर किस्म की लाइफ का इंसेस्टर जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं। देन अनदर एग्जांपल इज द क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल इन द फॉसिल रिकॉर्ड। इसके अलावा जब हम फॉसिल्स में मुख्तलिफ वर्टिब्रेट की क्लासेस के फॉसिल्स देखते हैं तो वो भी एक हमें एक खास तरतीब के साथ तारीखी एतबार से मिलते हैं। क्रोनोलॉजी, उनकी भी क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस है, एक खास तरतीब है, तारीखी एतबार से मिलते हैं। मसलन फॉसिल फिशेस द अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स, सबसे पुराने जो वर्टिब्रेट्स हैं वो फॉसिल फिशेस हैं, विद एम्फीबियन नेक्स्ट, इसके बाद एम्फीबियन फॉलोड बाय रिप्टाइल्स, देन मैमल्स, देन बर्ड्स। मतलब कहने का ये है कि सबसे पुराने फॉसिल जो हैं फिशेस के मिलते हैं,
उसके बाद उससे नए फॉसल्स हमें एम्फीबियंस के मिलते हैं, उसके बाद रेप्टाइल्स के, और सबसे बाद जो है सबसे मॉडर्न फॉसल जो हैं वो बर्ड्स और मैमल्स के मिलते हैं। तो इससे यही क्ल्यू मिलता है कि फिश ने एम्फीबियंस को इवॉल्व किया, एम्फीबियंस से रिप्टाइल्स बने और फिर रिप्टाइल्स से बर्ड्स और मैमल्स बन गए। दिस सीक्वेंस इज कंसिस्टेंट विद द हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट डिसेंट। ये जो फॉसल्स की तरतीब है वो वर्टिब्रेट की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बिल्कुल मुताबिक है। द एवोल्यूशन ऑफ फॉर्स प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ सच हिस्ट्री। जैसा कि फॉसल की रिकॉर्ड में जो हॉर्स था उसकी हिस्ट्री को, उनके फॉसल को देखा गया तो उसकी एवोल्यूशनरी एवोल्यूशन का तस्वर मिला। ये मुख्तलिफ टाइमिंग्स में, अदवार में जो हॉर्स थे उसके फोर फिट पाँव के और टीथ के जो फॉसल्स मिले उनको मिलाकर, उनका तजिया कर जो हॉर्स की एवोल्यूशन के बारे में देखा गया, उसकी एक पिक्चर है कि 50 मिलियन साल पहले हॉर्स जो था वो कैसा था, फिर 35 मिलियन साल पहले कितना था, कैसा था, 15 साल पहले कितना था। तो ये हमारे इसकी डिटेल में नहीं जाना, हमने सिर्फ ये जो हमारी बुक वाले ने लिखा है कि एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ सच हिस्ट्री। इसके बाद फॉसल्स होते क्या हैं? फॉसल्स आर आइदर द एक्चुअल रिमेन्स आर ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन द एंशियंट जियोलॉजिकल टाइम। फॉसल्स किसी ऑर्गेनिज्म के एक्चुअल रिमेन्स हो सकते हैं, बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, या कुछ उसका निशान हो सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जमाना कदीम में एंशियंट जियोलॉजिकल टाइम में रहते थे उनके बॉडी पार्ट्स एक्चुअल रिमेन्स या उनके ट्रेसेस। द ऑर्गेनिज्म मे बी एम्बेडेड इन द सैंड रेजन और आइस। थोड़ा सा फॉसल बनने का उसने तरीका बताया कि फॉसल कैसे बनते हैं। ऑर्गेनिज्म किसी सैंड में, रेजन में, आइस में दब जाते हैं। आर एन इम्प्रेशन और अ कास्ट इज मेड ऑफ द बॉडी पार्ट्स। या ये होता है दब जाते हैं तो एक्चुअल रिमेन उनका रह जाता है। कभी कभी ये होता है कि एक्चुअल बॉडी जो है उसका जो ऑर्गेनिक मैटर वो डिकम्पोज हो जाता है, सिर्फ उसका जो बॉडी का, एनिमल का, प्लांट का पार्ट जो है उसका सिर्फ इम्प्रेशन, निशान रह जाता है, वो टाइप ऑफ फॉसल उसको इम्प्रेशन कहते हैं। और कास्ट जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डीके हो जाता है, डिकम्पोज होता है और उसकी जगह कोई मिनरल ले लेती है, सिलिका ले लेता है, और वो जो बॉडी पार्ट है उसका एक्चुअल टिश्यू तो खत्म हो जाता है लेकिन वो खुद पत्थर सा, स्टोन सा बन जाता है किसी मिनरल का, सिलिका का, कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स का, तो उसको कास्ट कहते हैं। तो अगर आप देखें तो ये एक रॉक के ऊपर एक फन के लीफ के निशानात हैं, ये इम्प्रेशन है। और यहाँ जो स्नेल का शेल है वो बजाते खुद एक पत्थर सा बन गया है, इसको कास्ट कहते हैं। यानी जो स्नेल था उसकी बॉडी का जो टिश्यू थे वो खुद रिप्लेस हो गए, और वो रिप्लेस किससे हुए? कैल्शियम कार्बोनेट से रिप्लेस हो गए या सिलिका के रिप्लेस हो गए, और वो खुद ही पत्थर बन गया, तो स्टोन टाइप बन गया। स्टोन बनने को पेट्रीफिकेशन कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म मे बी एम्बेडेड इन द सैंड रेजन और आइस और एन इम्प्रेशन और कॉस्ट इज मेड बाई द बॉडी पार्ट द टिश्यू बींग रिप्लेस और पेट्रीफाइड बाई सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स। ज्यादातर मिनरल जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको हम तहदार चट्टाने कहते हैं उनके अंदर मिलते हैं। तो फॉसिल का रिकॉर्ड जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। देन एक और एविडेंस हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी से। इंपॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज बिटवीन स्पीशीज
ग्रुप्ड इन द सेम टेक्सोनोमिक कैटेगरी। एनाटॉमी में सिमिलरिटी की बुनियाद पे हम स्पीशी को एक ग्रुप में, एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी में रिप्लेस करते हैं। ये भी एक एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी थ्योरी ऑफ डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज की बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को एक टेक्सोनोमिक ग्रुप में रखना, ये भी एक सपोर्ट है इन सपोर्ट ऑफ थ्योरी ऑफ डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, द सेम स्केलेटल एलिमेंट्स मेक अप द फोर लिंब ऑफ ह्यूमन, कैट, व्हेल, बैट्स एंड ऑल अदर मैमल्स। Although these appendages have very different function, अगर हम ह्यूमन के, कैट्स के, व्हेल के, बैट्स के और बहुत सारे दूसरे मैमल के फोर लिम्ब देखें तो उनमें सिमिलर एलिमेंट्स मिलते हैं, उनके सिमिलर स्केलेटल एलिमेंट्स हैं, यानी सब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस, यानी बोन्स का ये पैटर्न है। अगरचे ये अपेंडेजेस मुख्तलिफ काम करते हैं, हम इंसान फोर लिम्ब से कोई और काम लेते हैं, कैट कोई और लेती है, व्हेल कोई और लेती है, बैट में कोई और फंक्शन है, लेकिन अगरचे उनके फंक्शन डिफरेंट लिए जाते हैं लेकिन उनमें स्केलेटल एलिमेंट जो है वो सेम है। जैसे मैंने बताया कि उनमें जो पैटर्न ऑफ बोन्स हैं वो सिमिलर है। द बेसिक सिमिलरिटी ऑफ दीज फोर लिम्ब इज द कंसिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट मैमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ये फोर लिम्ब में बुनियादी सिमिलरिटी इस हकीकत का नतीजा है कि मैमल किसी कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। आप देख सकते हैं ह्यूमंस के फोर लिम्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ये फ्लैंजेस ब्राउन वाले, इसी तरीके से कैट में भी ऐसे ही है, व्हेल में भी ऐसे ही, इसी किस्म का पैटर्न है। अगरचे नंबर ऑफ बोन्स, नंबर ऑफ फ्लैंजेस और डिजिट्स में फर्क हो गया, लेकिन बुनियादी तौर पर ये ह्यूमरस एक, दो रेडियस और अल्ना, फिर कार्पल, पैटर्न यही चल रहा है। द आर्म्स, विंग्स, फ्लिपर्स एंड फोर लेग्स ऑफ डिफरेंट मैमल्स आर वेरिएशन ऑन अ कॉमन एनाटॉमिकल थीम दैट हैज बीन मॉडिफाइड फॉर डाइवर्जेंट फंक्शन। वो बता रहा है कि जो ह्यूमन के आर्म्स हैं, बर्ड्स के विंग्स हैं, फ्लिपर व्हेल के हैं और मुख्तलिफ मैमल्स के जो फोर लेग्स हैं, वो एक बेसिक एनाटॉमिकल थीम से की वेरिएशंस है, एक बुनियादी स्ट्रक्चर से थोड़े थोड़े डिफरेंसेस रखते हैं। दैट हैज बीन मॉडिफाइड फॉर डाइवर्जेंट फंक्शन, जो मुख्तलिफ फंक्शन करने के लिए मॉडिफाइड हुए। वो कहता है कि ह्यूमन के आर्म्स, बर्ड्स के विंग्स, व्हेल के फ्लिपर्स और मुख्तलिफ एनिमल मैमल्स के जो फोर लेग्स हैं वो मुख्तलिफ काम करने के लिए, डाइवर्जेंट फंक्शन करने के लिए किसी बुनियादी एनाटॉमिकल थीम, किसी बुनियादी स्ट्रक्चर से थोड़े थोड़े वेरिएशन वाले बन गए हैं। सिमिलरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्री इज नोन एज होमोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। सिमिलरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्टर होने की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक में सिमिलरिटी होती है इसको होमोलॉजी कहते हैं। सिमिलरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री एंड सच एनाटॉमिकल साइन ऑफ एवोल्यूशन। और इस तरह के जो एवोल्यूशन के एनाटॉमिकल साइंस होते हैं उनको होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, यानी स्ट्रक्चर विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट मे बी डिफरेंट इन फंक्शन। जिनकी एनाटॉमी सेम हो, जिनकी एनाटॉमी सेम हो ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री, ड्यू टू कॉमन ओरिजिन, जिनकी एनाटॉमी सेम हो, जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हो, उनको होमोलोगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये हमारे से पूछ सकता है व्हाट इज होमोलॉजी। सिमिलरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री इज कॉल्ड होमोलॉजी।
और होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड सच एनाटॉमिकल साइन ऑफ एवोल्यूशन, और ऐसे जो सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो अपनी ओरिजिन की वजह से सिमिलर हैं उनको होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी स्पोर्ट्स दैट एवोल्यूशन इज अ रीमॉडलिंग प्रोसेस। कंपैरेटिव एनाटॉमी इस बात की सपोर्ट करती है कि एवोल्यूशन जो है वो एक रीमॉडलिंग प्रोसेस है, एक नया मॉडल बनता है इन विच इंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर दैट फंक्शनल इन वन कैपेसिटी बिकम मॉडिफाइड एज दे टेक ऑन न्यू फंक्शन। जो इंसेस्टर्स में स्ट्रक्चर्स थे जो कोई एक काम करते थे, कोई स्ट्रक्चर जो इंसेस्टर में एक काम करता था, जब उसको नए एनवायरमेंट में नई रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए डिफरेंट काम करना पड़ा तो उसमें मॉडिफिकेशन हो गई। तो ये वो कहना चाह रहा है कि कंपैरेटिव एनाटॉमी सपोर्ट दैट एवोल्यूशन इज अ रीमॉडलिंग प्रोसेस इन विच इंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर दैट फंक्शन इन वन कैपेसिटी बिकम मॉडिफाइड एज दे टेक ऑन न्यू फंक्शन। इंसेस्टर्स के जो स्ट्रक्चर थे जो कोई ये काम करते थे, जब उनको डिफरेंट काम करना पड़ा तो वो मॉडिफाइड हो गए। होमोलोगस स्ट्रक्चर में एक तो एग्जाम्पल ये हमने फोर लिम्स ऑफ विंग्स फ्लिपर मुख्तलिफ मैमल्स के जो फोर लिम्स हैं वो होमोलोगस स्ट्रक्चर है। They have the common anatomical theme due to common origin. इसके अलावा flower parts of the flowering plants ये भी homologous structure है। They considered to have evolved from leaves to form sepals, petals, stamen and carpel. ये जो sepal, petal, stamen, carpel है ये सारे leaves की modification है, इनका origin leaves से हुआ है इसलिए ये homologous structure है। होमोलोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक। एक और तरीके से उसने होमोलोगस स्ट्रक्चर को, होमोलोगस ऑर्गन को डिफाइन किया है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है, जैसा कि फोर लिम्स ऑफ मैन, बैट, हॉर्स, व्हेल, और ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जाम्पल है। यानी होमोलोगस ऑर्गन का बनना एक्चुअली डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, जिसमें सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट काम करने के लिए, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए थोड़े से मॉडिफाइड हो जाते हैं और जो ऑर्गन्स बनते हैं उन्हें होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। और इस किस्म की जो चेंज होती है, इस किस्म की जो एवोल्यूशन होती है उसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। इसी तरीके से एक है एनालोगस ऑर्गन्स, ये फंक्शनली अलाइक होते हैं बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट। इनका ओरिजिन, इनकी एनाटॉमी डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, जैसा कि विंग्स ऑफ बैट्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। ये विंग्स तीनों किस्म के जो एनिमल ग्रुप्स हैं इनके विंग्स से वो फ्लाइंग का, फ्लाइट का काम लेते हैं लेकिन इनका ओरिजिन डिफरेंट है, इनकी एनाटॉमी डिफरेंट है, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर कोई एक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दें तो ये जो एवोल्यूशन होती है इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो वो एनालोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो एनालोगस ऑर्गन का बनना कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है और होमोलोगस ऑर्गन्स का बनना जो है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। इसके बाद एक और यहां कॉन्सेप्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। द ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। Vestigial organs are rudimentary structure, rudimentary, reduced, basic, of marginal if any use to the organism. उनका या तो इस्तेमाल है नहीं या बहुत ही मामूली है। Of marginal if any use, अगर कोई use है तो बहुत ही मामूली, वरना नहीं है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे ऑर्गन्स मिलते हैं जिनका कोई नोन यूज
है नहीं। वो ऑर्गेनिज्म जिनका कोई नोन यूज है नहीं उनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। द ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर आर द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर ऑफ मार्जिनल इफ एनी यूज्ड टू ऑर्गेनिज्म। दे आर हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स। वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में कहा जाता है कि दे आर द हिस्टोरिकल रेमनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर की तारीखी बाकियात है। दैट हैड इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द इंसेस्टर, जो इंसेस्टर्स में तो कोई अहम काम करते थे, बट आर नो लॉन्गर फंक्शनल नाउ, लेकिन अब उनका कोई फंक्शन नहीं है। तो वो हमारे से एग्जामिनर वेस्टिजियल ऑर्गन की डेफिनेशन पूछ सकता है, एग्जाम्पल्स पूछ सकता है। एग्जाम्पल आगे उसने हमें बताई है, स्केलेटन ऑफ वेल एंड सम स्नेक रिटेन द वेस्टाइज ऑफ पेल्वस एंड लेग बोन्स ऑफ वॉकिंग एंसेस्टर। जो वॉकिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लेग्स रखते हैं, जिनकी मूवमेंट की उनकी मूवमेंट होती है, उनमें पेल्वस होती है, पेल्विक बोन जो लेग्स को ट्रंक रीजन के साथ जोड़ती है। अब वेल में, बहुत सारे स्नेक्स में लेग्स नहीं है, वो वॉक नहीं करते, लेकिन उनके अंदर पेल्विक बोन की रोडिमेंट्स मौजूद हैं, उनके वेस्टाइज मौजूद हैं। रिड्यूस फॉर्म में पेल्विक बोन्स मौजूद है या लेग बोन्स थोड़ी थोड़ी मौजूद है और उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसके अलावा ह्यूमन में अपेंडिक्स, कार्निवोरस मैमल्स में अपेंडिक्स जो है उसका कोई नॉन फंक्शन नहीं है। ह्यूमन में, मैन में ईयर मसल जो है उनका नॉन फंक्शन नहीं है। ये हमें उसने वेल दिखाई है, और वेल में फीमर पेल्विक फीमर बोन है जो हाइंड लिम की, और पेल्वस जो है जो पेल्विक पेल्वस बोन जो लेग्स को ट्रंक के साथ जोड़ती है, हालांकि उसमें लेग्स नहीं है फिर भी उनमें ये निशानी सी मौजूद है। देन कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एक और एविडेंस है। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस इन देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म, करीबी रिश्तेदारी रखने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान एक जैसी स्टेजेस से गुजरते हैं, यानी उनकी अर्ली डेवलपमेंट जो है वो सिमिलर होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज गो थ्रू स्टेज इन विच दे हैव गिल पाउचेस ऑन द साइड ऑफ देयर थ्रोट। तमाम वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो जो हैं, वो उनमें एक स्टेज ऐसी आती है जब उनके थ्रोट के साइडों पर गिल पाउचेस होते हैं। ये गिल पाउचेस जो हैं, ये फेरिंग्स की वाल्व में फोल्ड्स होते हैं। तो तमाम वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो की जो फेरिंग्स की वॉल होती है, उसमें फोल्ड्स पाउच बनते हैं, जिनको गिल पाउच कहते हैं। तमाम वर्टिब्रेट की एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान एक स्टेज ऐसी आती है जब उनमें गिल पाउचेस होते हैं। एट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, सिमिलरिटीज बिटवीन द फिशेस, फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड्स, ह्यूमन एंड ऑल अदर वर्टिब्रेट्स आर मच मोर अपरेंट देन द डिफरेंस। वो कहता है कि जब हम फिशेस, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड्स, ह्यूमन और दूसरे वर्टिब्रेट्स की एम्ब्रियोनिक स्टेजेस का मुशाहदा करें, तो हमें उनमें सिमिलरिटी ज्यादा नुमायाँ नजर आती है डिफरेंसेस के। डिफरेंसेस इतने नजर नहीं आते जितने सिमिलरिटीज नजर आती हैं। एज डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस द वेरियस वर्टिब्रेट डाइवर्ज मोर एंड मोर, टेकिंग ऑन द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दर क्लासेस। यू यू डेवलपमेंट आगे बढ़ती है, डेवलपमेंट प्रोसीड करती है, प्रोग्रेस करती है, वो मुख्तलिफ वर्टिब्रेट क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती जाती हैं और अपनी क्लास के कैरेक्टरिस्टिक
जो मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक हैं वो हासिल करना शुरू कर देती हैं। तो क्या बता रहा है कि वर्टिब्रेट की जो मुख्तलिफ क्लासेस हैं, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान वो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, लेकिन यूं यूं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती जाती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते जाते हैं और अपनी क्लास के करेक्टरिस्टिक जो है वो हासिल कर लेते हैं, जैसा कि हमें ये इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये अर्ली एम्ब्रियो है फिश का, ये सेलेमेंडर का, ये टॉर्टाइज का, ये चिकन का और ये ह्यूमन का। ये पहली लेन में जितने एम्ब्रियो दिखाए गए हैं, हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे इनके कलर में डिफरेंट हो, बस एक ही जो पिक्चर की मुख्तलिफ कलर्स दिखाए गए। नहीं, ये मुख्तलिफ एनिमल्स के अर्ली एम्ब्रियोज हैं। थोड़ा सा वक्त गुजरने पे जब डेवलपमेंट मजीद आगे गई तो ये यूं देखें थोड़ा सा इनमें अब फर्क आना शुरू हो गया, और जब मेच्योर एम्ब्रियो बन गए तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गए, उन्होंने अपनी क्लास के करेक्टरिस्टिक हासिल कर लिए। तो जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं, दे पास थ्रू द सिमिलर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि दे आर इंसेस्टर्स, दे आर डिसेंडेंट ऑफ द कॉमन इंसेस्टर। ये भी एवोल्यूशनरी व्यू को सपोर्ट करता है। इन फिश फॉर एग्जाम्पल, द गिल पाउचेस डेवेलप इन टू गिल्स। तमाम वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में गिल पाउचेस होते हैं। फिश में बाद में वो गिल पाउचेस गिल स्लिट्स बन जाते हैं, गिल्स बन जाते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं। लेकिन दूसरे जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, दीज एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर देन इन गिल पाउचेस बिकम मॉडिफाइड फॉर अदर फंक्शन। वो कुछ दूसरे काम करने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमन में ये यूस्टेशियन ट्यूब बन जाती है, ये थ्रॉट को जो मिडल ईयर के साथ मिलाने वाली एक ट्यूब होती है, यूस्टेशियन ट्यूब, उसके साथ मिलाती है। दैट कनेक्ट द मिडल ईयर विद द थ्रॉट इन ह्यूमंस। अक्सर हम कोई ईयर में मेडिसिन डालें तो गले में चली जाती है, तो वो असल में उस यूस्टेशियन ट्यूब के जरिए जाती है। तो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कैन ऑफन एस्टैब्लिश होमोलॉजी अमंग द स्ट्रक्चर। कंपैरेटिव इन एम्ब्रियोलॉजी से हमें स्ट्रक्चर के दरमियान होमोलॉजी मिलती है। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने पे हमें यह पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर जो है दे आर होमोलोगस स्ट्रक्चर, दे हैव द कॉमन ओरिजन। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कैन ऑफन एस्टैब्लिश होमोलॉजी अमंग द स्ट्रक्चर सच एज गिल पाउचेस। गिल पाउचेस जो है होमोलोगस स्ट्रक्चर है। फिश के गिल्स और हमारी यूस्टेशियन ट्यूब जो है ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ हमें कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने पे पता चल सकती है, क्योंकि जब हम इनकी मेच्योर स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम यूस्टेशियन ट्यूब को देखें और फिश को गिल्स को देखें, तो हमें नहीं लगता कि इनका ओरिजिन सेम है। तो ये हमें उसी वक्त पता चलेगा कि उनका ओरिजिन सेम है जब हम उनकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। तो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कैन ऑफन एस्टैब्लिश होमोलॉजी अमंग द स्ट्रक्चर such as gill pouches that become so altered in the later development. वो later development में इतने ज्यादा मुख्तलिफ हो जाते हैं that their common origin would not be apparent by comparing the fully developed form. अगर हम उनकी fully developed form यानी gills और eustachian tube, ये fully developed form है gill pouches की, अगर हम इनको compare करें तो हमें इनके common origin ऑफ डेवलपमेंट का पता नहीं चलेगा। इसलिए उसने लिखा कि कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ऑफन एस्टैब्लिश होमोलॉजी। ये फिश एम्ब्रियो में गिल पाउचेस दिखाए गए हैं, टर्टल के एम्ब्रियो में गिल पाउचेस हैं, चिकन के एम्ब्रियो में गिल पाउचेस हैं, कॉ के एम्ब्रियो में गिल पाउचेस हैं और ह्यूमन के एम्ब्रियो में गिल पाउचेस हैं जो थ्रॉट की साइडों पर मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये एक्चुअली द फोल्डिंग्स ऑफ द फेरेंक्स वॉल्स। तो ये जो गिल पाउचेस हैं तमाम वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में डेवलपमेंट में किसी दौरान मौजूद जरूर होते हैं, बाद में वो मॉडिफाइड होकर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं।
इसके बाद आखिरी बात, एविडेंस फ्रॉम मॉलिकुलर बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज आर रिफ्लेक्टेड इन देयर डीएनए एंड प्रोटीन्स, इन देयर जीन्स एंड जीन प्रोडक्ट्स। स्पीशीज के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एक किस्म की स्पीशीज से दूसरी किस्म की स्पीशी बनी है, ये जो रिलेशनशिप है ये उनके डीएनए में, उनकी प्रोटीन में जाहिर है, यानी उनके जीन्स में और जीन की प्रोडक्ट में। और प्रोटीन, जीन की प्रोडक्ट यहां किसको कहा गया, प्रोटीन को कहा गया। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द स्पीशीज, स्पीशीज के दरमियान इर्तकाई रिश्ता, एवोल्यूशनरी रिश्ता उनके डीएनए में, उनके प्रोटीन में, उनके जीन में, उनके जीन की प्रोडक्ट से जाहिर होता है। इफ टू स्पीशी हैव जीन्स एंड प्रोटीन विद द सीक्वेंस ऑफ मोनोमर दैट मैच क्लोजली, द सीक्वेंस मस्ट हैव बीन कॉपीड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। अगर दो स्पीशी के जीन और प्रोटीन में मोनोमर की तरतीब एक जैसी है, क्लोजली मैच करती है, अगर दो मुख्तलिफ स्पीशी हैं लेकिन उनके जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की तरतीब और उनके प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की तरतीब क्लोजली मैच करती है, बहुत हद तक मिलती है, द सीक्वेंस मस्ट हैव बीन कॉपीड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, तो इसका मतलब यह होगा कि वो सीक्वेंस किसी कॉमन एंसेस्टर से कॉपी किया गया है। For example, common genetic code brings evidence that all life is related. Genetic code is universal, हमने पीछे पढ़ा। तो अगर genetic code is universal, तो इसका मतलब यह है कि all life is related. ये एक evidence है कि all life is related. Molecular biology has thus provided strong evidence in support of evolution. Molecular biology एवोल्यूशन की सपोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करती है, बेसिस फॉर द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। वो कहता है कि लाइफ में यूनिटी और लाइफ में डाइवर्सिटी की बुनियाद जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सिमिलरली टैक्सोनॉमिकली रिमोट ऑर्गेनिज्म, मसलन ह्यूमन और बैक्टीरिया, टैक्सोनॉमी के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है, have some protein in common. इनमें भी कुछ प्रोटीन जो है वो कॉमन है। फॉर इंस्टेंस साइटोक्रोम सी, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम है, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसकी बात की थी, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम है साइटोक्रोम सी, ये ह्यूमन और बैक्टीरिया में सिमिलर है। तो ये थे एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। Thank you very much.